नमस्कार, मैं रणधीर कुमार। एसटीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं उत्तर बिहार की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन से डीएम फॉर यूथ कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के बारे में दी गई जानकारी। अरेराज में पीसीसी सड़क और नाला निर्माण कार्य का हुआ उद्घाटन। बारिश के समय राहगीरों को होती थी परेशानी। भारत चीन सीमा पर जवानों की शहादत से आक्रोशित हुए लोग, चीन के राष्ट्रपति का किया पुतला दहन। और मझौलिया में सबके अंतिम संस्कार करने को लेकर आपस में भिड़े लोग, मौके पर पहुंची प्रशासन, मामला कराया शांत। आज मोतिहारी समाहरणालय स्थित राधा कृष्णन भवन में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में डीएम फॉर यूथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में जानकारी दी गई। उक्त अवसर पर पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के संबंध में यथोचित मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए प्रबल इच्छा शक्ति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तदनुसार अभिरुचि के अनुरूप एवं सिलेबस के अनुसार तैयारी, साथ ही नियमित अंतराल पर स्वयं मूल्यांकन निसंदेह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता में निर्णायक सिद्ध होता है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि परीक्षा के प्रत्येक चरण को एक समान महत्व देते हुए सकारात्मक माहौल में तैयारी की जाए। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का गहन विश्लेषण एवं तदनुसार तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक होता है। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों एवं ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा नियमित अंतराल पर विभिन्न विषयों में निपुण व्यक्तियों द्वारा प्रतिभागियों के मार्गदर्शन हेतु कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम में यथासंभव जिला स्तरीय पदाधिकारियों और महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत पदाधिकारियों द्वारा भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के संदर्भ में अपने अनुभवों को साझा किया गया। कार्यक्रम में ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े प्रतिभागी खालिद अहमद, अजीत गुप्ता, सौरभ मिश्रा आदि द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान किया गया। आज आयोजित कार्यक्रम में सहायक समाहर्ता समीर सौरभ ने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है कि आत्मविश्वास के साथ तैयारी की जाए। समूह अध्ययन एवं निर्धारित सिलेबस के अनुसार अध्ययन में निरंतरता, समाचार पत्रों का सतत अवलोकन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए नितांत आवश्यक है। कार्यक्रम में उपस्थित वरीय उप समाहर्ता दीप सिखा ने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूर्ण मनोयोग से अध्ययन में निरंतरता को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हेतु महत्वपूर्ण बताया। उक्त अवसर पर वरीय उप समाहर्ता मेघा कश्यप ने प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के संदर्भ में अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि प्रबल इच्छा शक्ति से नौकरी में रहते हुए उच्च पदों से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने यथोचित समय प्रबंधन को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हेतु महत्वपूर्ण बताया। इस संबंध में पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने कहा, वेबिनार पूर्वी चंपारण मोतिहारी में ऑर्गेनाइज किया था, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, जुडिशियल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, आर्म फोर्स एंड मिलिट्री सर्विसेज आल्सो, तो उनके लिए ऑनलाइन यहां पे मार्गदर्शन दिया जा रहा था। इसमें जो भी पैनलिस्ट थे ये लोग यूपीएससी क्वालिफाइड थे, कुछ लोग आईएएस में है, कुछ अलाइड सर्विसेज में हैं, तो इनके तरफ से जो उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया जा रहा था। बेसिकली आज का जो टॉपिक था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स एंड कीप मोटिवेटेड थ्रू आउट द प्रिपरेशन ऑफ द एग्ज़ाम्स टिल यू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, तो इसमें इनको मार्गदर्शन दिया था। तो किस तरीके से एटीट्यूड होना चाहिए, आंसर राइटिंग किस तरीके से करना चाहिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, जो वास्ट रीडिंग मटेरियल है उसमें से सही मटेरियल किस तरीके से हमको चुनना चाहिए, इसके लिए यह प्रयास था। अभी क्योंकि बहुत सारे जगह पे कोचिंग क्लासेस बंद है, उसके अलावा भी नॉर्मल स्कूल्स कॉलेजेस भी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उसी के लिए यहाँ पे एक पढ़ाई का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम उपलब्ध करा रहे हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अरेराज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में अवस्थित हॉस्पिटल कॉलोनी में 1100 फीट लंबी पीसीसी सड़क व नाला निर्माण कार्य का उद्घाटन स्थानीय विधायक ने किया है।
उद्घाटन के उपरांत स्थानीय विधायक राजू तिवारी ने कहा कि नगर पंचायत के आंतरिक कोष से पीसीसी सड़क व सड़क के बीचों बीच नाला का निर्माण कराया जाएगा। गौरतलब है कि बरसात के समय इस मोहल्ले के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती थी। लोग 2-3 फीट पानी पार कर घर से बाहर निकलते थे, जिसकी मांग वर्षों से हो रही थी। स्थानीय विधायक श्री तिवारी ने पिछले बरसात के समय समस्या का समाधान करा देने का आश्वासन दिया था, जिसे गुरुवार को पूरा कर दिया। मौके पर SDM धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, नगर पंचायत के EO संदीप कुमार, टूटू लाल, डॉक्टर PM गिरी व शशि सिंह आदि मौजूद थे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के चनैन बांध पंचायत में जागो हिंदुस्तान पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पारस पकड़ी चौक पर चाइना के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया और चाइना सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध जताया और चीन के राष्ट्रपति का फोटो जलाकर आक्रोश जताया। साथ ही चाइनीज सामान का बहिष्कार कर स्वदेशी सामान अपनाने का प्रण लिया है। LAC गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर 15 से 16 तारीख तक झड़प चला, फिर चीनी सैनिक वापस चले गए और रात में फिर चीनी सैनिक ने रॉड, कटीले तार और नोकीले पत्थर से LAC क्रॉस करके भारतीय सेना पर हमला कर दिया। चीनी सैनिकों द्वारा धोखे से वार किए जाने पर हमारे भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए, जिसमें एक कमांडेंट ऑफिसर भी शामिल है। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने कहा कि विश्वविख्यात भारत को अब सहनशीलता के बंधन को तोड़ना होगा तथा चाइना और भारत के बीच कोई भी सामान का आयात निर्यात को लेकर सरकार को कठोर से कठोर रुख अपनाने की जरूरत है, तभी अमर शहीदों को सुकून मिलेगी। इस मौके पर प्रदेश सचिव मनोज कुमार मंडल, प्रदेश महासचिव सह जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, आलोक मांझी, सचिव बुलेट कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। चाइना द्वारा हमारे भारतीय सैनिक के ऊपर गलत ढंग से जो हमला हुआ है और हमारे जो शहीद मरे हुए हैं, उसी के आक्रोश में हम लोगों ने जिनपिंग का पुतला दहन किया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज स्थित गोविंदगंज थाना क्षेत्र के पिपरा सेंटर से 2 किलोमीटर पश्चिम पिपरा सिरनी मुख्य पथ में आज शाम अपराधियों ने एक राहगीर मोहित चौबे की बाइक लूटकर फरार हो गए। वहीं बाइक लूटने के दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की, परंतु राहगीर मोहित चौबे बाल बाल बचकर भाग निकले। जानकारी के मुताबिक राहगीर मोहित चौबे नवादा पंचायत के निवासी थे। गोविंदगंज थाना प्रभारी SI ताराकांत झा ने बताया कि मोहित चौबे अपने बहन के घर नगदाहा से लौट रहा था, उसी दौरान बघूत बाबा स्थान के पास सुनसान जगह पाकर अपराधियों ने बाइक लूट ली है। अपराधियों की संख्या 2 बताई जा रही है। एक बाइक लेकर पहले से घात लगाए हुए थे। अपराधी बाइक लेकर सिरनी के तरफ रफू चक्कर हो गए। चाइना बॉर्डर पर 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। देश भर के लोग चाइना की इस हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने की बात सरकार से कर रहे हैं। वहीं कई लोग इस परिस्थितियों के लिए केंद्र की मौजूदा सरकार की विदेश नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पूर्वी चंपारण कांग्रेस के कद्दावर नेता एजाज अहमद ने आज HTV न्यूज के माध्यम से इस संदर्भ में अपनी बात कही और मोदी सरकार से चीन की इस हरकत का माकूल जवाब देने का आग्रह किया है। देखिए, बहुत दुख की बात है। सरकार के बारे में तो क्या बताएं, सरकार की टोटल विदेश नीति जो है वो फेलियर है। ख़ास करके हमारे देश के तो पाकिस्तान शुरू से ही दुश्मन रहा है, आज छोटा सा नेपाल जैसा देश भी हमारे देश के ऊपर फन उठाने का कोशिश कर रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य है और है इस सरकार के लिए, ये सरकार के नीति, ये सरकार समझिए एकदम फेलियर है। और कि नेपाल, भारत जैसे महान और मजबूत देश को नेपाल जैसा छोटा सा देश बॉर्डर पे आज हमारे सैनिक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बॉर्डर के सीमा पे छेड़छाड़ कर रहे हैं, मतलब उसकाया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो चाइना बॉर्डर पे जो हमारे देश के सैनिक शहीद हुए हैं, ये 45 साल बाद चाइना ने फिर दोबारा सर उठाने का कोशिश किया है, जिससे हम पूरे तमाम हिंदुस्तानी बहुत आहत हैं। और मैं सरकार से आग्रह अनुरोध करता हूं कि चाइना के इस दुस्साहस का पुरजोर तरीका से जवाब दे। हम सारे हिंदुस्तान के सिविलियंस, आर्मी, सब देश के साथ है, देश के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। चाइना का जवाब मिलना चाहिए और मैं मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आज 56 इंची का सीना दिखाने का वक्त आ गया है। चाइना को अपना 56 इंची का सीना दिखाइए, नहीं तो अब
इस सरकार को देश का जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। ये 6 साल में मोदी जी की सरकार में, बीजेपी के सरकार में 6 साल में एक युद्ध में जितना सैनिक शहीद होते हैं उतना ये बीजेपी के शासनकाल में हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पे शहीद हो चुके हैं। आज लगभग 6 साल में 1000+ आज तक हमारे देश के सैनिक की शहादत हुई है, जो बहुत दुखदायक चीज़ है। इतने सैनिक किसी देश से युद्ध होता है तो शहीद होते हैं, वो चाहे किसी भी देश का हो, लेकिन कोई युद्ध नहीं हुआ। रक्सौल युवा कांग्रेस के बैनर तले बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सह गोपालगंज प्रभारी प्रोफेसर अखिलेश दयाल के नेतृत्व में लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर कायराना हमले में 20 जवान देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए, उनके शहादत पर शहर के चौधरी चरण सिंह गोलंबर चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला गया। प्रदेश महासचिव ने कहा कि 45 वर्षों बाद ऐसी कायराना हमला कर देश के सच्चे सपूतों की जान ली गई है। आज देश की पूरी आबादी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। प्रदेश महासचिव ने कहा कि सर्वप्रथम चाइना की कूटनीति को समझते हुए उसके आयात निर्यात होने वाले सामानों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि चाइना के बहुत सारे संसाधनों पर भारत सरकार छूट दे रखी है, जिसके कारण चाइना का मनोबल बढ़ा हुआ है। प्रदेश महासचिव ने दो टूक में कहा कि आज के वर्तमान समय में भारत का आंतरिक कोई भी सीमा आज की सरकार में सुरक्षित नहीं है। सदियों से बेटी रोटी का संबंध रखने वाला नेपाल चाइना के कूटनीति का शिकार बना हुआ है। रक्सौल विधानसभा अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी ने कहा कि चुनावी भाषणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल लाल आंखें दिखाकर न जाने किसको भयभीत करते हैं, लेकिन जब आंतरिक सुरक्षा की बात होती है तो सरकार चुप्पी साध लेती है। न कोई पीएमओ से कोई जवाब आता है, न कोई शीर्ष नेतृत्व से करारा जवाब। रामगढ़वा कार्यकारी अध्यक्ष नफीस आलम ने कहा कि देश की मजबूत सरकार मजबूर क्यों है? आखिरकार पुलवामा हमले से लेकर बार बार देश की आंतरिक सीमाओं पर लगातार गोलीबारियां क्यों हो रही है? आदापुर प्रखंड अध्यक्ष अवधेश कुमार यादव ने कहा कि भाजपा के 6 सालों में सबसे अधिक सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। सरकार सैनिकों को पूरी तरह छूट दे कि भारतीय सैनिक जवाबी कार्रवाई कर सके। सबको जलाने को लेकर गुरुवार को दो पक्ष आमने सामने उतर गए। मामला पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र के मोहदीपुर पंचायत स्थित बसरा गांव का है। बताया जाता है कि गैर मजरुआ जमीन पर वर्षों से हिंदुओं द्वारा दाह संस्कार किया जा रहा है। बगल में सरकारी विद्यालय है, आसपास बड़े बड़े घर बन गए हैं, साथ ही कुछ ही दूरी पर एक दूसरा शमशान घाट भी है। बीती रात्रि रघु शाह की पत्नी बिगनी देवी 80 वर्षीय की मृत्यु हो गई। सबको जलाने के लिए एक पक्ष के लोग गुरुवार को आए तथा दाह संस्कार की प्रक्रिया शुरू की तो दूसरे पक्ष वाले विरोध करने लगे। पूर्व से तैनात प्रशासन विवाद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति भयावह हो गई। दोनों पक्ष खूनी संघर्ष पर उतर गए। बताया जाता है कि स्थिति भयावह होते देख दोनों पक्षों के लोग भारी संख्या में उपस्थित हो गए। सूचना पाकर एसपी नितासा गुड़िया, एसडीएम विद्यानाथ पासवान, एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच हिंसक भीड़ पर लाठियां बरसाने लगे। हिंसक भीड़ तितर बितर होने लगी। इस दौरान पुलिस ने जमकर लाठियां बांधी। बताते चले कि इस दौरान जिलाधिकारी पश्चिमी चंपारण कुंदन कुमार भी पहुंचे और उक्त भूमि के बारे में अंचलाधिकारी मझौलिया से आवश्यक पूछताछ किया। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया। एसपी नितासा गुड़िया ने बताया कि हर हाल में शांति व्यवस्था कायम रखनी चाहिए। शांति भंग करने वालों को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। डीएम और एसपी ने पूरे गांव में घूमकर लोगों को शांत रहने का निर्देश दिया तथा चेताया कि अफवाह फैलाने वालों, शांति भंग करने वालों तथा दंगा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मझौलिया थाना के अपर थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने ध्वनि विस्तारक यंत्र से गांव में घूम घूम कर हिंसक झड़प में घायल हुए लोगों को बाहर आने का निर्देश दिया ताकि उनका इलाज कराया जा सके। बताया जाता है कि दाह संस्कार के समय दोनों पक्षों की ओर से ईंट पत्थर की बौछार की गई, जिसमें प्रशासन और ग्रामीण घायल हुए। समाचार प्रेषण तक घटनास्थल पुलिस छावनी में तब्दील है। प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार, अंचलाधिकारी जवाद आलम और थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता, दरोगा उदय कुमार, ललन राम, अरविंद कुमार पासवान दल बल के साथ घटनास्थल पर कैंप किए हुए हैं। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चिरैया के शांति चौक पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बिहार प्रधान महासचिव मधुरेंद्र कुमार उर्फ मधु सिंह
एवं समाज सेवी रवि सिंह के नेतृत्व में चीन बॉर्डर पर शहीद हुए वीर सैनिकों के याद में कैंडल मार्च निकाला गया तथा 2 मिनट का मौन रखा गया और चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए नारेबाजी की गई। इस दौरान फिल्म अभिनेता सलमान खान और फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला भी दहन किया गया। इनके विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान रालोसपा के प्रदेश महासचिव मधुरेंद्र सिंह उर्फ मधु सिंह ने कहा कि बिहार के उभरते हुए सितारे सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई अपने आवास पर खुदकुशी नहीं की, उनका हत्या हुआ है। सरकार से हम मांग करते हैं कि सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनको सजा भी दिया जाए। इस दौरान अभिनेत्री आलिया भट्ट और फिल्म अभिनेता सलमान खान पर मानसिक तनाव देने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने इन दोनों के फिल्मों का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया। आज बिहार के एक प्रतिभावान कलाकार सुशांत सिंह राजपूत, जिनका मुंबई में उन लोगों ने षड्यंत्र करके हत्या किया है, उसी के आक्रोश में तमाम युवा साथी अन्य जगह भी बिहार में ये पुतला दहन हो रहा है, उसी के विपक्ष में क्रोध में हम लोग भी आज यहाँ पर पुतला दहन किए हैं। जिनपिंग की बात जो कर रहे हैं चाइना, आज हमारे वीर सैनिकों को शहीद वहाँ पर जो होना पड़ा है उसके थेथराई की वजह से होना पड़ा है ना, तो क्या ये आक्रोश नहीं रहेगा? इसलिए हम लोग जला रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि चाइना का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार कर उनको भी सजा दिया जाए। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चकिया थाना क्षेत्र के गांव परसौनी खेम में धीरेंद्र कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा सड़क निर्माण का काम करा रहे कर्मी से अपराधियों द्वारा रंगदारी के रूप में 10 लाख रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी है। उक्त कंपनी के सुपरवाइजर अवनीश कुमार ने थाने को आवेदन देकर कहा कि उनके कंपनी द्वारा गांव में सड़क निर्माण का कार्य किया गया। बीते 1 माह पहले जब कालीकरण का काम चल रहा था उसी क्रम में कुख्यात अपराधी थाना क्षेत्र के गांव परसौनी खेम टोला नरकटिया निवासी रंजन सिंह का छोटा भाई राजीव सिंह आया तथा गाँव में काम कराने के एवज में बतौर रंगदारी कंपनी के मालिक से 10 लाख रुपए देने के लिए कहा। मामले की जानकारी कंपनी के मालिक को दे दिया गया, परंतु कंपनी के मालिक द्वारा टाल मटोल का रवैया अपनाकर सड़क का काम मुकम्मल करा लिया गया। सड़क का काम समापन के बाद मशीन आदि वहां से हटा दूसरे साइड पर ले जाने को कहा गया। मंगलवार की सुबह मशीन ले जाने की भनक अपराधियों को लगी। हनुमान मंदिर के समीप रंजन कुमार सहित 4 अन्य ने पिस्टल सहित अन्य हथियार से लैस थे, जिन्होंने घेर लिया तथा रंगदारी का 10 लाख रुपए देने तथा मालिक को बुलाने की मांग करते हुए मेरे साथ मारपीट किया तथा जेब में रखा 80,000 रुपए छीन लिया सहित अन्य आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ थाना क्षेत्र के गांव नरकटिया निवासी राम बाबू ने थाने में आवेदन देकर 5 लोगों को आरोपित करते हुए थाना को आवेदन दिया है। दिए आवेदन में कहा है कि अपने बाइक से जा रहा था कि उक्त स्थान पर हथियार से लैस 4-5 की संख्या में मौजूद अपराधियों ने घेर लिया तथा मारपीट कर जेब में रखा 10,000 रुपए छीन लिया सहित अन्य बात कही है। इस बाबत थाना अध्यक्ष सह इंस्पेक्टर निर्मल कुमार ने बताया कि दोनों तरफ से दिए गए आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान जारी है। मामला हुआ कि सर जो है कि हम लोग कुर्सी गाँव में कल रात को जो है कि 1 बजे तक काम थी और जो है कि क्या काम कर रहे थे, रोड का प्रीमिक्सिंग करवा रहे थे। अच्छा। और जो वहाँ का काम कल रात को खत्म हो गया और रात को ये लोग भी जा करके डिस्टर्ब किए हुए था काम के, ये जो हमारे साथ आज जो हाँ मैंने विवाद किया है। कौन? राजीव सिंह, पिता रामबाबू सिंह। कहाँ के हैं? वहीं के परसौनी खेम नरकटिया। अच्छा जी, क्या हुआ? और जो है कि उनका बड़ा भाई रंजन सिंह है जो पहले से जो है कि अपराधी रह चुके हैं। उसके बाद हुआ है कि हमारा ड्राइवर हमारे पास फ़ोन किया, हम प्लांट पे थे, फ़ोन किया है कि आइए यहाँ 2-4 लोग जो है कि घेरे हुए हैं मेरे गाड़ी को, हथियार सब लेकर के घेरे हुए गाड़ी को और आगे से गाड़ी उड़ी लगा दिए हुए थे लोग, मोटरसाइकिल बुलेट मोटरसाइकिल था। और तब हम आए हैं, तो पूछे क्या बात है भाई, तो अरे आपका गाड़ी हमारे गाड़ी में टच कर दिया है, ऐसा कोई बात नहीं और टच कर दिया है और जो है कि हम लोग का भी कुछ बनता है और तुम लोग यहाँ से गाड़ी लेकर के जा रहे हैं तो 10 लाख रुपया रंगदारी चाहिए और फ़ोन ठेकेदार के पास भी लोग पता नहीं किए हुए था कि क्या नहीं, तो हम ठेकेदार को बोले कि ऐसा ऐसा बात है यहाँ जो है कि, तो बोले कि क्या लोग बोल क्या रहा है, हम भाई बोला है लोग कि नहीं गाड़ी नहीं जाएगी, हम लोग को रंगदारी मिलेगा तभी यहाँ से गाड़ी हटेगी जाएगी। मोती झील की रक्षा एवं जीर्णोद्धार के लिए जिला प्रशासन मोतिहारी की कटिबद्धता बरकरार है।
इसके तहत आज जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खबर के मुताबिक कोलवरवा राधानगर में मोती झील से लिंक होने वाली नहर पर बन रहे अवैध पुल को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। गौरतलब है कि राधानगर से गुजरते हुए जान पुल फिर मोती झील में मिलने वाली इस नहर पर 4 फीट ह्यूम पाइप लगाकर पुल बनाया जा रहा था, जिसे जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही प्रशासन की इस कार्रवाई से मोती झील की जमीनों पर अतिक्रमण करने वाले भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज। सच की आवाज। नमस्कार।